इज्जत का फालूदा बनाया था ना मिली। अब देखो मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा किस धूमधाम से निकालता हूं। बजिया उस वक्त मुझे लग रहा था कि अगर मैं ना गई तो बिया अपना घर कभी ना बसा पाएगी। और तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी को कितने ताने सुनने पड़ेंगे ससुराल में? अंदाजा है, इसलिए आप उसको समझाएंगे कि वो अपनी माँ से नफरत ना करे। मैं मजबूर थी। मैं तो समझा दूंगी मेहनत साहब, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम खुद उससे बात करो, उसे खुद समझाओ। और माशाल्लाह हमारी बिया समझदार बच्ची है। इस वक्त तो वो सहम गई है रात के वाक़े से, लेकिन वो सब संभाल लेगी। बच्चिया अगर मेरी बेटी खुश ना रह पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। क्या पागल हो गई हो तुम? है कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना यहाँ पे। बिया को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बच्चिया। ना ही दानियाल ने कोई आग लगाई है, ना ही कोई दरवाजा लॉक किया, भला वो मेरी जान क्यों लेगा? इतना झूठ कब से बोलने लगी हो तुम बिया? और झूठ बोल के उसे बचाना क्यों चाहती हो? इन सब बातों का अब ना तो कोई फायदा है और ना ही वक्त। बिया वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, मेरी इस बोझ भरी जिंदगी को खत्म कर देगा, ये तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा बिया, कभी भी नहीं। क्यों? आप सबने तो मेरी जिंदगी को खेल बनाया, अब मुझे इस खेल में मजा आने लगा है तो आपको बुरा लग रहा है? अब तो मैं खुद आपको मौका दे रही हूं, अब लड़े ना आप सब अपनी अना की जंग। अना? किसकी अना? कौन सी अना? ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम्हें गलत लग रहा है, गलत समझ रही हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, और आप मुझे कुछ और समझाने की कोशिश ना करें। आपके लिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहें और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है।